एक अनोखा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। शशिभूषण मेहता जो विधायक हैं, वह देखिए किस तरीके से जो है 1000 रुपये किलो कैसे बनी आवास यहाँ पहुँचे हैं बालू लेके। प्लास्टर बालू 1000 रुपये किलो, प्लास्टर बालू 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो बालू, 1000 रुपये बालू बेचते हैं, 1000 रुपये किलो बालू। शशिभूषण मेहता जो है वो बालू बेचते हैं। हाँ, आपकी सरकार को कहती कि मैं अब यहाँ पर बालू बेच रहा हूँ। 1000 रुपये किलो बालू बिक रहा है, विधायक जी क्या कहेंगे? ये बेचते हैं, आप प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक कड़ाही बेचेंगे कि 1000 में हम खरीद लिए, यही खरीदता है यही बेचता है। 100 रुपये भी है उधर, 100। अरे 100 रुपये वाला सब बता दिए एक ही बार कहा ने कि ये खरीदते भी है और बेचते भी है, यही लोग खरीदते हैं इसलिए ज्यादा। हाँ, और यही खरीदते हैं ये बेचते हैं। तो ये देखिए 5वें विधानसभा सत्र के आज आखिरी दिन ये किस तरीके से शशिभूषण मेहता जो पांकी के विधायक है वह जो है आपको बालू बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं बैद्यनाथ राम, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे। दादा बालू को लेकर, बालू को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, बेचेंगे ये ना, इनके घर पे इतना स्टॉक जो लगा हुआ है। अब तो हम लोगों की सरकार ने बहुत निर्णायक फैसला लिया है, सभी लोगों के लिए, सभी नॉन टैक्स पेयर के लिए अब बालू मुफ्त कर दिया गया है। तो जो भाव में ये लोग बेचते थे वो बेच नहीं पाएंगे, जितना ट्रक्स चलता था इन्हीं लोगों का चलता था। जाँच हो जाए ना, मैं तो बोलती हूँ सरकार को जाँच कराना चाहिए इन चीज़ों। कभी कभी हमारी सरकार ने भी इन चीज़ों को अनदेखा किया है, मगर जाँच होना चाहिए। सिप्पी जी, दो क्वालिटी का बालू बेच रहे हैं, 100 रुपये एक, 1000 रुपये किलो, क्या करेंगे अब? पता नहीं अगले बार सरकार जनता इन लोगों को चुन के भी भेजेगी कि नहीं, तो अपने लिए नया नया करियर ऑप्शन भी तो एक्सप्लोर करना ज़रूरी है ना। बालू कोयल नदी का माननीय विधायक पलामू से लेके आए हैं, 1000 रुपया किलो है, इसलिए ये 1000 रुपया का है कि यहाँ पे प्लास्टर के लिए उपयुक्त है और ये ढलाई वाला है। ये हाईवा में लीजिएगा तो 100 रुपया किलो, रिटेल में लीजिएगा तो आपको 1000 रुपया किलो। जब कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनती है झारखंड से बालू गायब हो जाता है, यहाँ का प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए गरीब को बालू नहीं मिल रहा है। हम लोगों का विधायक निधि से पुल पुलिया सड़क नाली कोई काम नहीं हो रहा है, बालू के अभाव में सभी ठेकेदार काम को बंद कर दिए। सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब यही इनका काम बच गया। देखिए, उनको झारखंड के गरीब गुरुआ से कोई लेना देना नहीं है। आज बालू के चलते लोग अपना झोपड़ी तक नहीं उठा पा रहे हैं, आज पुल पुलिया नहीं बन रहा है, काम बंद है, और सरकार को लग रहा है कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। ये सरकार ड्रामा करके 5 साल निकाल दिया, इनका ड्रामा बंद होगा और झारखंड की जनता अब समझ चुकी है। यदि सत्ता पक्ष कर 100 रुपया में, देखिए जो विधायक है वह खरीद भी लिए 100 रुपये में, देखिए क्या 100 रुपये में, 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदे कि हमसे लीजिए तो हमसे लीजिए, यह हालत हो गया। बालू बेचने वाले भी कंपटीशन कर रहे हैं, हमसे लीजिए तो कोई कह रहा है हमसे लीजिए, कोई बोल रहा है हमसे लीजिए, तो ये हालत है बालू की। बालू की उपलब्धि बिल्कुल समाप्त हो गई है, और जब जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब तक हेमंत सोरेन जब जब आते हैं कि बालू की